तन्हा हो जाता है श्लोक, वो समझ नहीं पाता कि वो लड़की कहाँ चली गई। श्लोक बार बार उन जगहों पे जाता है जहाँ पर उस लड़की के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। बार बार वो वहाँ जाता है जहाँ उसने उसके साथ वक्त बिताया, इस उम्मीद पर कि वो फिर मिलेगी, फिर वो पल लौट आएंगे हंसी खुशी वाले जो उसने उसके साथ बिताए थे। श्लोक के माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं उसकी उदासी और तन्हाई को देख के। वो समझ नहीं पाते उनके बेटे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। श्लोक के दोस्त भी श्लोक को लेकर परेशान हैं, उस लड़की के लिए उसकी तड़प उनसे देखी नहीं जा रही है। श्लोक फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगता है, उसकी काउंसिलिंग और दवाइयाँ फिर शुरू हो जाती हैं। उस लड़की की तस्वीर श्लोक बार बार दिन रात देखता रहता है। एक शाम श्लोक उसी जगह खड़े होकर उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है और अचानक वो लड़की वहां आ जाती है। श्लोक उसे देख के बहुत खुश होता है। श्लोक उसे कहता है कि कितना परेशान था वो, कहाँ चली गई थी वो। वो लड़की अपनी परेशानी श्लोक को बताती है। वो लड़की श्लोक को वादा करती है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। एक रात जब श्लोक सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो उस लड़की को प्यार कर रहा है, वो उसके जिस्म के हर हिस्से को छूता है, प्यार से भर देता है। दोनों के जिस्म की आग एक दूसरे को दीवाना बना देती है। वो दोनों संभोग करने लगते हैं। फिर अचानक उसे दो हाथ दिखते हैं जो खून से रंगे हुए हैं। श्लोक हड़बड़ा के उठ जाता है और उसे समझ में आता है कि वो एक सपना देख रहा था। पर क्या है इस सपने का मतलब, अजीब सा सपना है ये। अगले दिन श्लोक उस लड़की से मिलता है, उसे उस सपने के बारे में बताता है। वो लड़की उसे उस सपने को लेकर परेशान होने के लिए मना करती है। वो उसे कहती है लेकिन एक चीज़ उस सपने के हिसाब से वो सच कर सकती है, और वो उसे वहाँ किस करने लगती है। श्लोक जिद करता है कि उस लड़की का घर वो देखना चाहता है। बहुत जिद करने पे वो श्लोक को अपने घर के बाहर तक ले जाके घर दिखाती है। वो श्लोक को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि उसके घर वाले उन दोनों के बारे में जानते नहीं हैं और सही वक्त आने पे ही वो उन लोगों से उसको मिलाएगी। एक शाम श्लोक उस लड़की से कहता है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। वो उससे बोलता है कि वो घर आए, वो उसे अपने माँ बाप से मिलाना चाहता है। लेकिन उस शाम वो लड़की श्लोक के घर नहीं आती। उसके माँ बाप भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। श्लोक परेशान हो जाता है और उस लड़की को फ़ोन करने लगता है, लेकिन ये क्या, फिर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। श्लोक अपने घर से निकलता है और उस लड़की के घर पे पहुंचता है, पर वहां तो ताला लगा होता है। इस बार श्लोक के दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो लोग श्लोक को इस मुसीबत से निकाल के रहेंगे, उस लड़की के बार बार गायब हो जाने का राज जान के रहेंगे। श्लोक के दोस्त उसे ले जाकर एक पुलिस कंप्लेन लॉज करते हैं। कई सवालों का जवाब पुलिस वाले को तो श्लोक भी नहीं दे पाता। तब एक लेडी कांस्टेबल को उस लड़की के घर के बताए हुए पते पे भेजा जाता है। लेडी कांस्टेबल को ये पता चलता है कि वो घर तो पिछले 50 साल से बंद है। वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। जब से आसपास के लोग वहाँ पे रहने आए हैं तब से उन्होंने उस घर को हमेशा बंद ही देखा। श्लोक ये सब सुन के बौखला जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में ये सब। श्लोक फिर तन्हाई और अकेलेपन में उलझता जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ज़िंदगी उसके साथ ये क्या खेल खेल रही है। कहाँ चली गई वो लड़की जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। कई दिन बीत जाते हैं। श्लोक फिर से उस लड़की की पेंटिंग बनाना शुरू करता है और बार बार उसकी पेंटिंग बनाता है। वो कई सारे पेंटिंग उस लड़की के बना चुका होता है। श्लोक के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो श्लोक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते श्लोक के साथ क्या हो रहा है। फिर से श्लोक को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। साइकियाट्रिस्ट श्लोक से उस लड़की के बारे में कुछ सवाल जवाब करता है और श्लोक के जवाब साइकियाट्रिस्ट को हैरानी में डाल देते हैं। वो श्लोक के कुछ टेस्ट निकालता है, फिर उसकी रिपोर्ट देखता है।
और उसे समझ में आने लगता है कि श्लोक की दिमागी हालत एकदम खराब हो चुकी है। वो श्लोक के माँ बाप से, दोस्त यारों से और उन पुलिस वालों से भी बात करता है। फिर मैं साइकियाट्रिस्ट श्लोक पर हिप्नोथेरेपी ट्राई करता है। हिप्नोथेरेपी के बाद साइकियाट्रिस्ट को श्लोक के बारे में सब समझ में आ जाता है। श्लोक को समझाता है कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं, वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम है। श्लोक के घर वालों से बात करके आखिर श्लोक को दिमागी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। दिमागी अस्पताल में वो लड़की श्लोक को फिर नजर आती है, इस बार एक डॉक्टर के रूप में। श्लोक उसे देख के खुशी से झूम उठता है। वो उससे कहता है, आखिर वो आ ही गई ना। तो वो उससे कहती है कि उसने वादा किया था कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। श्लोक कहता है कि वो जिंदगी भर उस अस्पताल में रहने के लिए तैयार है अगर वो उसे कभी ना छोड़ के जाए। फिर वो लड़की उसे किस करती है। फिर श्लोक अपने इस प्यार के भ्रम में हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है।